Hi guys, वेलकम बैक टू my चैनल और ये देखो मुझे जस्ट आपको दिखाना था कि ये cherry की मसाज टाइम चल रहा है Cherry को बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे करवाना और अभी मैं कोई भी ख़ास ऐसा वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी बट मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ cherry की ये वाली मोमेंट शेयर करूं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था मैं ऐसे बैठी हूँ और ये मेरे पैरों में जाकर इसने पैरों के ऊपर मेरा मुँह रखा हुआ है और प्लीज़ इग्नोर माई सॉक्स बहुत ही वियर्ड है <laughs> बहुत ज्यादा बुरी लग रही है बट ये बहुत ही गर्म सॉक्स है और मैंने ये पहनी है इनके यहाँ पे पूरी हे फैली हुई है तो इसलिए मेरे सॉक्स पे लग गई है और चेरी इस पर कट्टी कट्टी कर रहा है चलो चेरू को बहुत अच्छा लग रहा है देखो चेरी हैवी शेडिंग पे है आप लोग बोलते हो कि हमारे रैबिट्स के फर निकलते हैं यू कैन सी आई गैस आपको दिख रहा है मेरे हाथ पे कितने फर आए हैं और अभी ये हालत तब है जब मैं इनके रोज कॉम करती हूँ कंगा रोज करती हूँ तब जाके ये हालत है देखो तो मेरा क्या मेन मकसद होता है ना मैं पैटिंग करते करते क्या करूँगी ऐसे करके एक्स्ट्रा फर निकालती जाऊँगी मतलब मेरा दिमाग में फंस जाता है और मैं ऐसे करके करती रहती हूँ कपड़ों पे लग रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं वो तो झाड़ लेंगे सोने से पहले चेंज कर लेंगे रात का टाइम हो रहा है मैंने थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट के लिए आ, हीटर चलाया है एक्चुअली हीटर बहुत ज़्यादा नहीं चलाती क्योंकि अच्छा भी नहीं होता और वैसे भी आ, मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं चलाती तो भी मैं बैठी थी बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मुझे लगा चल यार पाँच मिनट हीटर चला देती हूँ और जब तक मैं बैठी हूँ आप लोगों से बात भी कर लूँगी एक्चुअली मैं क्या करने आई थी इस रूम में मैं आपको दिखाती हूँ वेट ये देखो वो आपको दिख रहा है मेरे कोकर का डब्बा जिसको मैंने हेयर एग बनाया मैंने कुछ नहीं किया उसको काटा है नीचे एक रस्सी बांध दी है रस्सी क्या इस कपड़े को ही काट के ये जो कपड़ा है ना इसी को काट के मैंने वहाँ पे एक रस्सी बांध दी और उसके अंदर हे भर दी है आ, लिटर बॉक्स वाला नहीं है लिटर बॉक्स वाला ये है और वो मैंने साथ में एक एक्स्ट्रा ऐसे रखा होता है और आई एम सॉरी फॉर दिस ऑल मेस क्योंकि मैंने इसको पाँच दिन से आई गेस नहीं उठाया और कल इसका टाइम है यानी कि संडे आज सैटरडे है मैं जब ये शूट करूँ सैटरडे है तो कल इसका टाइम है इसको उठा उठा के साफ वाफ़ करने का पाँच क्योंकि सर्दी ज़्यादा है तो बाबर उठा कर मुझे लगता है कि फिर ठंडक आती है फर्श से मैं बस यही सोचती हूँ तो मैंने वो कुकर के डब्बे को आज हे रैग बना दिया उससे पहले मैंने ना यहाँ पे ये वाली बास्केट में रखी थी मतलब मैं दो जगह हेयर रखती हूँ एक बच्चे के कॉर्नर में मैंने सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा इसलिए मैंने उसमें हे भर दी है अभी सोने से पहले मैं उसमें हे दोबारा रीफिल करूँगी वो तो बास्केट में जितनी थी मैंने वो लगा दी कुछ नहीं किया मैंने डब्बे को काटा है नीचे हे भरी है उसमें टेप वेप कुछ नहीं लगाई और बस ऐसे उसको बना दिया बाकी ये बास्केट है और ये चेरी है अभी चीकू अपने रूम में है और मफिन बाहर खेल रहा है क्योंकि दोबारा से इनकी नहीं बन रही है बीच बीच में ये दोनों एक साथ आज दोपहर को पूरे दोपहर ये एक साथ सोए थे मगर अभी देखो अभी क्या हाल है अभी ये हाल है कि दोनों लड़े हैं इसलिए मैंने इसको अपने पास बिठा लिया और मफिन बाहर खेल रहा है थोड़ी देर बाद ये बाहर खेलेगा देन दोनों को सोने का सेट करूंगी और मैं जाऊंगी दूसरे रूम में चेरी चीकू के पास और जन फ्री रहेगा फ्री बोले तो उसका रूम का दरवाज़ा भी हमारा ओपन होता है तो ये है ये देखो शेडिंग तो बस दो मिनट मुझे लगा बात करूं और आप लोगों को दिखा दूं क्योंकि लोग कहते हैं कि हम जब भी अपने खरगोश को पकड़ते हैं तो बहुत सारे बाल आते हैं तो गाइज ये एक नेचुरल तरीका सॉरी <laughs> तो गाइज ये एक नेचुरल चीज़ है कि बाल आने क्योंकि ये शेडिंग करते हैं आपको इनको कॉम करना है ग्रूम करना है उसके लिए आप पूरा मेरा वीडियो देख सकते हो और वैसे मैं अभी बहुत अच्छी कॉम मंगाने के मूड में हूँ लेट्स होप मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू वगैरह चेक कर रही हूँ मेरे को अगर प्रॉपर वो अच्छी लगी देन मैं उसका वीडियो बनाऊँगी उससे पहले मैं नहीं बनाऊंगी पहले मैं तसली कर लूँ उस चीज़ से तब ये देखो कितने बाल आ रहे हैं क्योंकि इनके बर्थडे पे मुझे दो चार आइटम अच्छे अच्छे मंगाने हैं तो उसकी तैयारी चल रही है तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही वो हेयर है दिखाना था और अपना चेहरी दिखाना था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय गुड नाइट